केमिस्ट्री में आपका बताया जा रहा है कि यहाँ पर Na2 और Cl, यही है 2Cl, राइट? इस तरह से है, यहाँ पर जाएगा Na2 प्लस 2Cl गिब्स, क्या बोला फिर? Cl2 प्लस 2Na, इस तरह से बोला, हाँ ठीक है। तब यहाँ पे क्या करा, ये आपका निगेटिव आंसर, ये क्या हो जा रहा है आपका पॉजिटिव आंसर, सोडियम पॉजिटिव आंसर होता और ये इसका निगेटिव आंसर। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मालूम है Na ए प्लस Na2 ऑफ बी इज गिव्स क्या देता है Na3 ऑफ सी एंड Na4 ऑफ डी। तो रिएक्टेंट से पहले किस चीज का पूछ रहा है, Cl2 का पूछ रहा है कि Na2 को पूछ रहा है क्वेश्चन में? अरे रेट आप किसका पूछ रहा है? रेट ऑफ गैस कीजिए, जोर से बोलो, क्या बोलिए? क्लोरीन, क्लोरीन का पूछ रहा है यार, मालूम खाली बोल रहे हैं। देखिए इसका यहाँ पे क्या होता है आपका फॉर्मूला, अभिक्रिया की दर यहाँ पे क्या जगह, यदि मान लीजिए इस तरह से 1/N2 डेल्टा बी ऑफ द डेल्टा टी, यही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कितना आपका 1/2 और यहाँ पर जगह पर Cl, ठीक Cl आया। फिर टाइमिंग क्या है आपका 20 से 10, ठीक है, तो 1/2 Cl एंड दिस इज द 10। आ इसका वी वैल्यू कितना दे रहा है Cl पे, Cl को कितना दे रहा है 24.24 माइनस दूसरा कितना है 19.19 माइनस कीजिए कितना आएगा यहाँ पे आपका, कितना 0.24 में 0.1 इतना, तो 0.0 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 14 में से 9 जा 5 आए, 1 होना हट जाए, रिमूव हो जाए बाई 10। तो आपका डेसिमल कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 0.05 10, तो 10 से 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0.20 हट जाएगा, ये इधर लिखना 5 × 5 इधर का खत्म, इधर का भी खत्म, 9 × 10⁻³ आपका 3, ऊपर जाके कितना जाएगा यहाँ पे 10⁻³ - 3, 5 × 10⁻³ - 3। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 है तो 2 लगा दीजिए, या बाद में जाके भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर जाएगा आपका 1/2, यहाँ पर लिखिए (2) और यहाँ पे 2, तो इसको कट कीजिए कितना जाएगा 2.5 × 10⁻³ - 3, ठीक है, समझ दिया। तो मोल, लीटर इनवर्स और यहाँ पे सेकंड इनवर्स, तो सेकंड में क्या है मिनट है ना, मिनट डाल दीजिए, मिनट इस तरह से आपको हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यही होगा कि जैसे आप N1 ऑफ ए, फिर N2 ऑफ बी इज गिव्स N3 ऑफ रिएक्शन सी, और यहाँ पे N4
ऑपरेशन डी कुछ भी ऐसे अपने तरफ से मान लेना। इसमें जो अभिकारक का मेन हुआ रीजन है, यहाँ पे कोई भी आप लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप ले लीजिए एन ए टू आप प्लस यहाँ पर आपका सी एल टू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आंसर इसको ले रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, जो इसकी वेग होगा अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी कहते हैं अनुक्रमानुपाती, और इसकी जो सांद्रता है अभिक्रिया की सांद्रता ये क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। कैसे भाई अभिक्रिया के वेग यहाँ पे ठीक है और अभिक्रिया की सांद्रता, तो सांद्रता इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं कि ये फॉर्मूला था ना विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा तो कितना क्वांटिटी है आप द विलयन में इसका आयतन, विलयन में आयतन आयतन एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन विलय की मात्रा विलयन की आयतन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की वेग, यही इसका यदि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा दोनों होगा ठीक है। आईसी को जब हटाते हैं हम लोग यहाँ पे मत बजाओ, अभी क्रिया की वेग इक्वल टू के लगा देते हैं, के कॉन्स्टेंट है हटता है तो उसको के लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे इनटू अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता ये, और इसको यदि के निकालना रहेगा क्या करेंगे भाग कर दीजिएगा यहाँ पे वेग, यानी हम भी ब्लास्ट मान लेते हैं अभिक्रिया की सांद्रता वी अपान सी इक्वल टू वी से ब्लास्टी हो गया आर सी से कॉन्सेंट्रेशन हो गया इक्वल टू ये हो जाता था। देखिए क्या आपका रिएक्शन बोला गया है, रिएक्शन इज द गिवन, इसको किनारे पर देखना चल रहा है, रिएक्शन में क्या है 2A इज इनवर्स रिएक्शन, इसी को इज इनवर्स रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं ना ठीक है। तो क्या दे रहा है 4B प्लस सी, ये रिएक्टेंट है और ये क्या प्रोडक्ट है ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या बताया गया कि यहाँ पर आपका माइनस, इधर का माइनस वाला होता है रिएक्टेंट वाला, इधर क्या होता है प्लस होता है, तो इसको क्या लिखोगे 1/2 डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इज इक्वल प्लस वाला 1/2 नंबर है तो 4 लिख दीजिए ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा टी और यहाँ पे इक्वल आगे जितने आगे लिखते जाएंगे ठीक है। तो इसका सी पे काम नहीं कर रहा, सी पे कर रहा बी और ए का फाइंड आउट करना है ठीक है। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर दिया है 1/4 ठीक है और ए का पूछ रहा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो 2 हो जाएगा हाँ, तो बचा क्या डेल्टा बी अपन डेल्टा टी, इसका कितना दे रहा रिएक्टेंट 5×10⁻³ थ्री, देखिए ये गिवन किया हुआ है 5×10⁻³ अब बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड ठीक है, 5×5 × 5×2 = 10 करेक्ट ना। अब देखिए इतना जगह हाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या ये 2 काट सकती थी मतलब ये यहाँ से कट गया है 5×10⁻², ये इतना कट गया कितना आया 1/4×10⁻³ -3 ठीक है। मतलब 2 का हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ डेल्टा बी का 5×10⁻³ / 10 हो गया है, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.42 × 8 / 4 × 20×10⁻³ −3
एक डेसिमल इधर लेने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ये यहाँ पर आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस 4 क्या मोल पर लीटर पर माइनस 2 कौन होना हाई ऊपर जाएगा ना माइनस एक होगा माइनस तीन जैसे ये हाई 10 टू द पावर एम है हाई 10 टू द पावर एन है तो जुड़ जाता है ना एम पावर एन प्लस राइट ये हो गया एक आंसर 2.5 इंटू 10 टू द पावर इतना क्लियर आप ए का पूछ यहाँ से सीधे ए का पूछा है रिएक्टेंट के लिए तो क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है 2 ऑफ रिएक्टेंट कितना 2 इंटू ए ले जाओ यहाँ पर 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आपका तो कितना जाएगा ना 2.5 जाए 10 टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर का माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इसी तरह लिख दीजिए एम मोल इनवर्स लीटर और यहाँ पे सेकेंड ठीक देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट भी यहाँ पढ़ लेंगे और यहाँ पे चाहे तो ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं आर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जिसे बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि ध्यान से समझिएगा बहुत इजी है जैसे कहा गया है अभिक्रिया की जो दर होता है अभिक्रिया की दर ठीक है अभिक्रिया की दर की सांद्रता दर का मतलब हुआ उसका रिस्पेक्ट ऑफ आप बोलते हो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ कि यदि यहाँ पे यम है और यहाँ पे ए है आप प्लस यहाँ पे यम और यहाँ पर आपका बी है या उत्पाद बना लेता है सी और यहाँ पर कोई पी है ऐसे ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट यहाँ बताया अभिक्रिया की सांद्रता की दर को अभिक्रिया की सांद्रता की दर को हम लोग क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं वेग स्थिरांक बोलते हैं तो कैसे इसको समझेंगे पहले हम ये एग्जांपल के तौर पर इतना हम लिए हैं तो वेग स्थिरांक वाले में सी आता है क्या आता है सी डेल्टा सी तो ये जब डेल्टा सी आते हैं फिर टाइमिंग लगेगा डेल्टा टी ये चीज़ें याद होना चाहिए या आप लोग ऐसे भी पढ़े हैं मैथ में पढ़ेंगे डीडीएक्स डीडीएक्स ये है तो यानी एक्स के सापेक्ष है और ये यहाँ पर टी किसके सापेक्ष है यहाँ पे सी के सापेक्ष है सी क्या है सांद्रता है इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इसलिए सी का यूज करते हैं सांद्रता अभिक्रिया की दर दर मतलब उसमें समय लग रहा है दर मतलब बटे एक तरह से भी हो गया तो अभिक्रिया की सांद्रता को दर को दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन सही है समानुपाती अनुक्रमानुपाती आप लिखिए ए एंड बी ए एंड बी और यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी समझ लेंगे जो इसका गुणांक है ए का गुणांक क्या है आपका एम आई एन का बी का गुणांक क्या है एम तो जो भी पावर रहेगा यहाँ पे पावर हम लगा लेते हैं ठीक तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे देखेंगे यही आपका कॉन्सेप्ट है यही शब्द में लिखना है आपको शब्द में लिखना है अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया के सांद्रताओं की दर के अनुक्रमानुपाती होते हैं दर में मतलब क्या ए बी सी यहाँ पे सी रहेगा तो सी लिख दीजिएगा जितना रहेगा उस पर लिखते जाएंगे जैसे यहाँ पे एक ये यहाँ पे सी यम एन ओ सी आ जाते हैं आप लिखिएगा सी ए पावर ओ रहेगा ओ लिखिएगा जो भी रहेगा अब इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि हम हटाते हैं डी सी अपान डी टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो के आता है के
और यहाँ लिखते हैं ए के पावर आपका यम और यहाँ पे बी के पावर यम। अब यहाँ पे यम और यन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या दिया हुआ है। इफ ऐसे का था यम इक्वल टू एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, वाई इक्वल टू यन इक्वल टू का है वाई तो वाई लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए के पावर आपका एक्स और बी के पावर आपका वाई हो जाएगा। एक चीज और यहाँ से और समझिए, कह दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब होता है जो इसके गुणांक होते हैं, अब क्रिया के दर वाले में जो गुणांक होते हैं उसी को सम आप कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो। अब तो क्या है x प्लस वाई तो x प्लस वाई लिख दीजिए, या m प्लस n तो m प्लस n लिख दीजिए। ये जो पावर वाला होता है ये कोफिशियंट होता है, ये कोफिशियंट पावर चढ़ जाता है, जैसे को एम एम ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। इस पर पूछता है एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में कि कितना है ऑर्डर मैग्नीट्यूड, एक है दो है तीन है, तो समझ पाए आप लोग। अब यहीं से यदि इसकी मात्रक भी कह दें हम कि मात्रक आपको फाइंड आउट करने के लिए यूनिट मात्रक यूनिट देखिए बहुत ईजी। यदि मान लीजिए हाई एक है और ए भी एक हो जाए, एक ये भी हो जाए एक ये भी हो जाए, तो क्या आप लिखें डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के। इफ यस ले लो फ्रॉम वन से यूनिट के लिए, फ्रॉम वन से ए बी वैल्यू वन हो जाए, ए बी वैल्यू यहाँ पे वन हो जाए, तो क्या देखने मिलेगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के आप वन एंड वन। देखिए ये भी वन वन से मल्टीप्लाई, इसमें भी वन से मल्टीप्लाई, तो लिख क्या आएगा ये के आएगा, और जब के आएगा तो इसकी इसकी मात्रा क्या होता है सांद्रता है, कॉन्क हो जाएगा, कॉन्क आई टाइमिंग का सेकेंड होता है, ये यूनिट हो जाएगा यानी कॉन्क सेकेंड यूनिवर्स। हाँ तो जब उसको तोड़ोगे ना तो मोल पर लीटर है ना, बोलिए अभी हम सांद्रता या सी से क्या दिखा दिए सांद्रता दिखा दिए, तो कॉन्क सेकेंड यूनिवर्स हो जाएगा। देखिए यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि वी नो डेट यूनिट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी, यही हमारा सांद्रता होता है, आइस के जो है इक्वल टू के है, और यहाँ पे जो आ रहा था ए पावर एम और बी के पावर एन, ए क्वेश्चन पढ़ा तो ये जो है इसी की इक्वल टू ये देखा जा रहा है। यदि ये मान सीधे एक हो जाए ए भी मान एक हो जाए ठीक है, अदरवाइज तो ऐसे में है जो आप सांद्रता यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी लिख रहे हैं तो ये सांद्रता, तो इसको बोलते हैं कॉन्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्क, ये हो गया टाइमिंग सेकेंड सेकेंड हो गया ठीक है, तो ये कॉन्क सेकेंड, आप कॉन्क सेकेंड को आप लिखते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर तो ये भी आपका सेकेंड है, तो ये दोनों जब ऊपर जाते हैं तो ये मोल हो गया और लीटर इनवर्स हो जाएगा आई सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ठीक है, यदि एक मोल बराबर आप ए सांद्रता बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं सांद्रता बराबर मोल पर लीटर, समझ में आया सांद्रता बराबर मोल पर लीटर, तो ये ऊपर गया वही आपका माइनस हो जाता है, तो ये सांद्रता की जगह हमने लिखा है मोल पर लीटर है, सेकेंड है मोल पर लीटर हो गया, ये हो गया आपका यूनिट। अब यहीं पे थोड़ा इस तरह से समझिए, यहाँ पे क्या है मैंने एम1 और एन लिया है,
इसको और भी इसको वायुमंडलीय लेवल पे देखा जाए कि इसकी तापमान कितनी होगी, तापमान के ओरिजिन से क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे यूनिट में, तो मैं इसका रिएक्शन इस तरह से लिखूँ, समीकरण यदि इस तरह से मैं लिखूँ कि यन वन ऑफ ए यन टू ऑफ बी इज अ गिब्स प्रोडक्ट, हमारा क्या है सी उत्पाद के लिए, ये प्रोडक्ट हो गया राइट, प्रोडक्ट यहाँ पे पी ओ कुछ भी डाल सकते हैं कि एक नया कोई प्रोडक्ट बन गया, तो हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर इन दोनों का डी सी अपान डी टी इज द के ए पावर कितना एन वन हो जाएगा, जो यहाँ यम लिखते थे तो यहाँ पे यम रहता था, अब यन है तो यन हो गया, और यहाँ पर एक्टिव मास इसको बोल देते हैं बी के पावर एन टू, ठीक। तो ये जब सांद्रता की बातें की जाती हैं तो ये जो है दोनों को, ये भी सांद्रता, जैसे सांद्रता में ये है और ये भी है, लेकिन इसको जैसे हम कॉन्क लिखें कॉन्क और इसको भी लिखें कॉन्क, यानी सांद्रता, दोनों सांद्रता, इसके पावर एन वन है और इसके पावर एन टू है। तो आप मैथ में पढ़े हैं यदि यक्स और यक्स की इन टू होता क्या लिखते हैं आप, यानी पावर ऐड कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे पावर एन वन है और यहाँ पे पावर एन टू, कॉन्क कॉन्क सेम है, जिस तरह यहाँ पे एक्स एक्स सेम है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं के और यहाँ पे कॉन्क के पावर एन वन प्लस, समझ में आ गया, ये इधर का एरर ही है, तो यही आपका कॉन्क एन वन प्लस एन टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा यदि यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करके लेते हैं, तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए एन वन प्लस एन टू, तो कॉन्क किसके इक्वल बताया गया है मोल पर, तो मोल पर लीटर में, जब मोल पर लीटर लिख चलेंगे तो यहाँ लिखते हैं इसमें आएंगे तो हम लिख देंगे मोल में, ठीक है, मोल में वन माइनस एन वन प्लस एन टू, और लीटर में जब आएंगे इनटू लीटर, लीटर में तो ये वन माइनस एन वन प्लस एन टू लिखा है, तो इसी का एक उल्टा करिए एन वन प्लस एन टू माइनस वन, और फिर उसके नीचे क्या होता है आपका सेकेंड होता है ना, है मोल के लिए सांद्रता के इतना रखे आई सेकेंड है, तो ये सेकेंड इनवर्स हो जाता है, तो ये मोल वन माइनस एन वन प्लस एन टू लीटर एन वन प्लस एन टू माइनस वन है, वन माइनस एन वन प्लस एन टू है, आइए एन वन प्लस एन टू माइनस वन है, तो इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग लिखते हैं वायुमंडल, वायुमंडल वायुमंडल लिखेंगे, तो देख दिमाग है लगाइएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, एगो एन में से एन वन प्लस एन टू को माइनस कर रहा है, एगो एन टू प्लस एन वन में से माइनस वन कर रहा है, तो ये जब दोनों डिग्री हाई ये सेम लेते हैं तो पावर लेके चलेंगे, तो इसी के जहाँ लिख दिए वन माइनस एन, वन माइनस कैसे हाई एन वन प्लस एन टू को मान लिया इतना बराबर कोनो दूठो ऐड करके, ऐसे एन वन प्लस एन टू को मैंने सपोज किया एन हो गया, तो इसके जहाँ सीधे एन आई जो है आपका एन वन प्लस एन टू इसके जहाँ वन, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई किया था ना, इसकी वजह से हमने लिख दिया एन माइनस वन, और यहाँ पर आपका सेकेंड इनवर्स, ये वाला आपका वायुमंडल के पावर है, इसी को एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, यही आपका यूनिट हो जाता है। तो कौन सा कितने यूनिट, पहला आपका क्या रहा, पहला इसे कॉन्क पर सेकेंड पहला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा मोल पर लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स दूसरा हो गया, और तीसरा जब वायुमंडली के लिए रखते हैं तो वायुमंडल एन माइनस वन यस सेकेंड इनवर्स, तीन तरह से ये बन जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आपके एक दो ठो न्यूमेरिकल चलते हैं, देखो बच्चों योर क्वेश्चन इन द सेइंग दैट रिएक्शन, रिएक्शन में ये बोल रहा है n2 plus 3h2 inverse reaction 2ns3 unit order of magnitude, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग ऐसे पढ़े डी सी अपान डी टी इज द के एन होता है या के, इसके लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग लिखते थे,
ए और यहाँ पे बी के पावर एक्स प्लस यम ये ऐसे वाई जो भी लिखना था लिख देते थे, अदरवाइज ये मैन लिखते थे, रिएक्शन को पर डिपेंड करता था ना। यदि रिएक्शन हमारा ऐसे रहता था यहाँ पे एक्स ऑफ ए वाई ऑफ बी इज द पी ऑफ सी, ए प्रोडक्ट है तो यह लिखते थे और ऐसे इतना हो गया। इसी कंडीशन में ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक जगह यहाँ पे क्या है एन टू है राइट, और बी के जगह यहाँ पे क्या आपका एच टू है एच टू, लेकिन यहाँ पे वाई के जगह क्या है आपका थ्री। देखिए वाई के जगह यहाँ पे क्या थ्री है और एक्स के जगह कुछ नहीं तो एक है यहाँ पे। तो हाँ लिखे आना समझाने के लिए, अब क्रिया की पूर्ति या ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो क्या करते हैं एक जोड़ लेते हैं ना पौरा को, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स में वन हो गया प्लस थ्री कितना जाएगा आपका कितना हो गया इसी तरह लगेगा पावर एड। और यहाँ पर यदि आप वो देखते हैं कि एक यूनिट के लिए यहाँ पर ऐसे सिंपल सा तो क्या लिखते हैं आप डी सी अपान डी टी, इसको बोलते हैं कॉन्ग, इसको बोलते हैं सेकेंड, यानी ये पॉजिटिव तो यहाँ पे आप लिख देंगे मोल अपर लीटर अपर सेकेंड, यूनिट वाले में आ जाएगा मोल पर लीटर सेकंड हो गया ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है लिख रहे हो आप लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या आपको बताया गया कि पहला तो आपका उत्प्रेरक होता है उत्प्रेरक के दाब पर ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ यदि ऐसा कोई आप लिक्विड लेते हैं, इस लिक्विड पर इस लिक्विड में आप कई तरह से आप मिलाते हैं सॉल्यूशन, तो इस पर सॉल्यूशन जैसे मिलाएंगे तो इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा और इसकी एरिया, एरिया मतलब यही होगा ना इसका एरिया, एरिया एरिया के साथ साथ यदि देखें तो पूरा आयतन होगा, तो जितना अलग से हम मॉलिक्यूल से डालेंगे अलग से कोई भी जो है इसमें जैसे डालते हैं चाहे लिक्विड डालते हैं चाहे नमक डालते हैं चाहे चीनी डालते हैं चाहे कुछ भी डालते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ते हैं तो वही प्रेशर इक्वल टू आपका जो फार्मूला बन के आता है कि इस पर प्रेशर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स हमारा क्या होता है आपका एफ होता है और यहाँ पे एरिया कितना एरिया पे वर्क कर रहा है इसी को मिला देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा कि अभिकारक को अभिक्रिया को जो है कारक मतलब इस पे दबाव का कारण क्या पड़ता है तो ये फोर्स अपान एरिया के रूप में देखा जाता है कि वो कौन से एलिमेंट होंगे जितना पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। और इसका जैसे मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एन ए प्लस एन वन एंड एन टू और बी उत्पाद बना लेता है क्या यहाँ पे सी, सी इन दोनों मिला को सी बनाता है मतलब ऐसे कोई दो तत्व हैं जिसको ये अभिक्रिया है और इससे हमारा जो उत्पाद बन जाता है प्रोडक्ट बन जाता है वो हमारे क्या है सी है। तो सी है तो यहाँ पर वेग स्थिरांक पूछा जाए या वेग पूछा जाए तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर वेग भी बता दे रहे हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर यदि मैं इसको देखूँ कि यहाँ पर ए है और ये बी है तो इसको लिखते हैं हम लोग डी सी अपान डी टी अभिक्रिया की दर डी सी अपान डी टी, यह सी आपको क्या दिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है अभिक्रिया की दर सी
अरे अब क्रिया की बात दिखाता है तो इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू अभी ना लगाएं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे जो भी अपक्रिया की दर है ये है, तो ये लिखिए इसकी पावर एन वन हो जाएगा, जो पावर होता पावर लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसी क्रम में दूसरा हमारा यहाँ पे बी आई इसके पावर क्या आपका एन टू, तो यहाँ पर ये रीजन हो जाएगा जिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं बी सी अपान डी टी, तो एक के आता है के इज द ए अपान ए के पावर एन वन और यहाँ पे बी के पावर एन टू, यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेग स्थिरांक, स्थिरांक जिसको आप बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सा आपको दिमाग में आना था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि कोई लिक्विड है कोई सॉल्यूशन है उसमें हम कोई बाहरी तत्व मिलाते हैं तो उसका जो है उस पर कितना फोर्स लगता है अपान एरिया वो लेके चलेंगे, यानी फोर्स अपान एरिया का विशेष इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसमें और भी जितना हम डालेंगे ये अणुओं की संख्या क्या होगी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी भाई जितना बाहरी अब चीज डाल रहे हो, तो इसमें जो है अणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है आपकी वृद्धि कर जाती है, अणुओं की संख्या में वृद्धि वृद्धि कर लेंगे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर विशेष इफेक्ट पड़ता है, पहले यह लिख लीजिए फिर हेडिंग डाल दीजिएगा फिर लेके दर में रख दीजिए, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलो, थैंक यू। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हेडिंग आप यही डालेंगे कि फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग, लिख देते हैं फैक्टर भी, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या जितने भी प्रकार के हमारे रासायनिक हैं उनका सभी ना सभी जब रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ना कुछ उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बिग होता है। तो यहाँ पे बोला कि फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की जो दर है उसके उसके कारक में कौन कौन से प्रभाव डालते हैं, एक तो हो गया आपका टेम्परेचर को लेके, भाई टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर डालेगा, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को लेके चला गया, तो इसमें टेम्परेचर इक्वल टू फार्मूला ही आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जितना एक है इसको म्यू से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं म्यू, टेम्परेचर कोफिशियंट बोल देते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशियंट भी लिख दीजिएगा, गुणांक जिसे कहते हैं तापमान गुणांक, तापमान गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर जितना मान लीजिए टी वन टेम्परेचर है तो उसमें 10% इंक्रीज कर जाएगा डिग्री सेल्सियस, आज इसका रियल क्या आपका टी वन, ठीक है टी वन है या टी टू ही ले लें इसको T2, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको सिंपल सा ये समझना चाहिए इसको T2 नाम देता हूँ, ठीक है, आइए T1 या ऐसे भी कर सकते हैं T1 प्लस जब 10 ऐड करते हैं तो ये T2 हो जाए, क्या जाए T2 टेम्परेचर T1, ठीक है। तो नॉर्मली यदि T1 की टेम्परेचर देखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 24 से 25 एक रूम टेम्परेचर कमरे का जो टेम्परेचर होता है तो उसको सामान्यतः तौर पर 24-25 के आसपास में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप टी वन के यहाँ पे हम 25 रखते हैं तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 25 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, हाँ यानी सीधे लिखते हैं यहाँ पे 35, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डाल देते हैं टेम्परेचर, ठीक है टी फॉर टेम्परेचर हो जाएगा राइट, या केल्विन इसका इसका मेजर है तो के लिख दीजिए बाई, यहाँ पर आपका ये भी आपका T1 के कितना था 25, ठीक है यहाँ पे केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है यही आपका रेशियो होगा। जितना मान लीजिए आपका जो है यदि 20 है तो 20 10 25 20 10 30 और 30 और भाई 20,
जितना रहेगा तो इसको काट नहीं सकते हैं। नहीं, एक केल्विन के साथ मेजर करके दिखाएगा ना, काट क्यों नहीं सकते हैं? वो तो रेशियो निकाल के काट ही सकती हो, गुणांक है कोई काट ही सकती हो। लेकिन यहाँ पे हम ये बताए हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी क्या है आपका अभिकारक यानी वेग स्थिरांक है, जो वेग स्थिरांक है उसको कारक यानी क्या कारक है उसको रोकने वाले है। तो आपका पहला सांद्रता, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटालिसिस, उत्प्रेरक, वेग, ऐसे बहुत सी चीजें आएंगे ना। तो अभी इसमें से आपको दो मेन है, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे टी वन प्लस आपका 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज मैक्सिमम, एक लिमिट में लेते हैं, जितना इंक्रीज हो जाए तो बात है, लेकिन अधिकतर 10 ही लिया जाता है। तो टी वन प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी वन, यदि मैंने सपोज किया टी वन के जो है 10 यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ, तो 10 प्लस 25 प्लस 10 35 बाई या 25 था ही, ठीक है, तो 25 हो गया। टेम्परेचर इज द यूनिट यहाँ पे केल्विन लिया जा रहा है।